त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बात करें बढ़ते हुए ट्रैफिक की, उसके निजात के लिए क्या व्यवस्था जुटा रहे हैं क्षेत्रीय निगम पार्षद हो या विधायक हो या प्रशासन हो। हमारे बीच में मुकेश मंसल साहब है। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? बढ़ते क्योंकि त्योहार आ रहे हैं तो ट्रैफिक भी लाजमी है, बढ़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या व्यवस्था बनाई? देखिए, मार्केट वालों को समझा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जाम के चक्कर में आपके कस्टमर भी टूट जाए। जनरली ऐसा होता है, हम लोग वहां जाना चाहते हैं जहाँ हमारी कार भी पार्क हो जाए या टू व्हीलर पार्क हो जाए या साथ साथ में हम लोग आराम से परचेजिंग कर सके। विशेष कर से मेरे यहाँ 100 फुटा रोड जो है अपने आप में बहुत अच्छा मार्केट हो गया है, लेकिन बहुत अच्छी भीड़ भी हो गई है। अब दुकानदार को समझा तो रहे हैं कि भाई आप लोग फुटपाथ पे सामान ना रखिए, सामान अपने दुकान के अंदर रखिए। फुटपाथ पे कुछ के सामान रखे हुए हैं, कुछ के वाहन खड़े हुए हैं, फिर सड़क पे भी वाहन खड़े हुए हैं, तो परेशानी तो हो रही है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि एंक्रोचमेंट से पूरा हमारा 100 फुट रोड पटा पड़ा है। हाँ, अब उसमें हम लोग के साथ समस्या क्या है, यदि जो सड़क पे सामान पड़ा है जी, तो उसको तो एमसीडी वाले उठाएंगे। फर्क क्या है कि हमारा दिल्ली में सबसे बड़ा जोन है, 35 वार्ड का जोन है, और ये सिस्टम बना रखा है जोन में, चाहे वो जोन 13 वार्ड का हो, चाहे 20 वार्ड का हो, चाहे 35 वार्ड का हो, क्रेन सिस्टम एक है। क्रेन एक ही है, एक ही क्रेन है। तो ये हमारे चाहते ही, हम चाहें कि ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे, ट्रैफिक वाले कहते हैं ये एमसीडी का काम है, एंक्रोचमेंट हटाना ही, बात तो सही है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि दुकानदार भी परेशान ना हो, लेकिन पब्लिक परेशान हो, चूंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पब्लिक है, बिल्कुल ठीक, ना कि दुकानदार है। दुकानदार से आज फुटपाथ के नाम पर कोई जगह नहीं है, दुकानदार से हमारी सहानुभूति तो है, लेकिन हम पब्लिक की सुरक्षा, जो वहाँ आ रहे हैं जाते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो तो हटम डर रहता है कि एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हम लोग जो है जागरूक कर रहे हैं, और उम्मीद ये है कि कुछ दुकानदार भाई मानेंगे, नहीं मजबूरी में फिर थोड़ा बहुत एक्शन भी लेना पड़ता है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो हम लोगों का निगम का दस्ता चलता है वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। कारण वही है ना, कारण वही, 35 वार्ड का मतलब समझिए 3 महीने में एक बार नंबर आएगा, 3 महीने में, रूटीन वाइज देखेंगे तो कम से कम हफ्ते में 2 छुट्टी है, या ये कहा जाए कि एमसीडी का कोई डर नहीं। देखिए, ऐसा ना बताऊं आपको, परेशानी क्या है, उठाते हैं फिर हमारे पास सिफारिश भी आती है, सिफारिश भी तो हमारे पास ही आएगी, क्योंकि हम तो लोकल बॉडी हो गए बिल्कुल ही जो है, लेकिन हम गलत आदमी का सिफारिश तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं ये मजदूर है, इसकी ठेली उठा ली जी। अब ठेली बिचारे की जो है रोजी रोटी छिन जाएगी। हम ये चाहते हैं दुकानदार अपने वाहन यथास्थान पर लगाए जी, और अपना सामान दुकान से बाहर ना रखे। दुकानदार कहता है कि एमसीडी ने हमें कोई पार्किंग नहीं, हम कहाँ लगाए? देखिये, तो दिल्ली की स्थिति खराब है, सब जानते हैं, अगर पार्किंग दी होती तो हम दुकानों के आगे क्यों लगाते? ये तो आपने आज बाहर पड़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर, कर्कटोमा के बाहर, 30 हजारी के बाहर, सब एंक्रोचमेंट कहोगे इसको या पार्किंग अव्यवस्थित कहोगे, और सड़कों पर कार पार्क हो रखी है, उसमें परेशानी है। तो दिल्ली का तो ढांचा खराब तो है इस टाइम पे, विशेषकर से इस टाइम पर 10 साल से हमारे माननीय केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार है, वो बेचारे बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, आप देख रहे कि अब वो मंत्री के साथ विधायकों के साथ दौरा कर रहे हैं, जो गड्ढे नहीं भरे गए, खुद लिख रहे गड्ढे नहीं भरे गए, 10 साल में क्या स्थिति कराई तुमने, अब उस सड़क न पुआ रहे हो आप, चुनाव असर तुमको सब कुछ दिखाई देने लगता है। मुकेश जी, 100 फुटा रोड की बात करें, चाहे होंडा का शोरूम हो या क्या नाम है स्कूटी बाइक बेचने वाले, जरा सी सी दुकान है और 100-100 बाइक आगे खड़ी है स्कूटियां बेचने के लिए लगा रहे। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ, 100 फुट की स्थिति वास्तव में दयनीय है, और हमारा प्रयास रहेगा कि विशेष कर सब नवरात्र शुरू हो जाएंगे, 3 दिन बाद रामलीला भी शुरू हो जाएंगी, त्योहारों का मौसम है, कि मैं ही चाहता हूँ, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी कर रहा हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि सभी दुकानदार भाई प्रशासन के साथ, एमसीडी के साथ कोऑपरेट करें, जिससे कि आपको परेशानी भी ना हो और विशेष करके पब्लिक के लिए तो परेशानी हो ही ना। क्योंकि मार्केट एसोसिएशन ये कहते हैं कि हम अपने लोगों को तो समझा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम यहाँ पे आके खुल चुके हैं वो नहीं सुनते। बड़े शोरूम अपने अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात का मतलब नहीं कस्टमर की कार कहाँ खड़ी, बिल्कुल, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो, तनिष्क ज्वेलर्स हो या ब्लू स्टोन वाले हो, हाँ, कोई नहीं सुनने को, वो सब बॉम्बे सिस्टम पे है जी। अब उनको मालूम नहीं है कि 100 फुट है, ये बॉम्बे नहीं है, अगर अगर यहाँ के साथ नहीं चलना चाहते, ना ही वो लोकल नेताओं की कोई सुनना चाहते। दरअसल में ऐसा ना जी, ये अभी थोड़ा उनको जानकारी नहीं है कि ये जमुना पार की जनता है, यहाँ सुविधाएं कम है, लिहाजा आपने शोरूम तो खोल दिया, उनका स्वागत है हमारे वार्ड में,
लेकिन साथ साथ में यहाँ की कल्चर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करिए, ऊपर वाला शोरूम करिए, नीचे पार्किंग की व्यवस्था करिए, नहीं और नहीं तो ये दिन दूर नहीं है कि यहाँ झगड़े होने शुरू हो गए हैं आपस में, कार पार्किंग पे, टू व्हीलर पे रोंग साइड चलना वो शुरू हो गया है। यहाँ बॉम्बे कल्चर नहीं है, जमुना पार्क की विशेष कल्चर है, इनको अपना सुधारना पड़ेगा, नहीं दिक्कत आएगी।